गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था पार्ट फर्स्ट में सर्वनाम, सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा और उसके भेद। जल्दी से हम उसको एक बार देखेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला, पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और नंबर 3 पार्ट बताया था आपको अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमने देखा कि जो वाक्य बोल रहा है, बोलने वाला व्यक्ति, जो अपने भावों को ही अभिव्यक्ति कर रहा है, वह व्यक्ति उत्तम पुरुष। आप मेरी बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप हो गए मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में हो गए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। उत्तम पुरुष में मैंने आपको बताया था मैं, हम। मध्यम पुरुष का उदाहरण मैंने आपको बताया था आप, तुम या तू। अन्य पुरुष में यह, वह, वे। आज हम पढ़ेंगे पार्ट सेकंड में निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, नाम से ही अर्थ निकलता है कि निश्चय, जो किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में निश्चित जानकारी देता हो, जो हमें बताता हो कि ये चीज फिक्स है, निश्चित है, इसको हम बोलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा के रूप में आप समझ सकते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा। परिभाषा में देखिए, वे संज्ञा शब्द या विश शब्द जो हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु की जानकारी देते हैं, जो हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बताते हैं। निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। निश्चित, देखिए नाम है निश्चय, इससे हम याद रखेंगे निश्चय यानी कि निश्चित किसे, फिक्स के बारे में। तो वे सर्वनाम सर जो हमें निश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बोध करवा रहे हैं, उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण में आप देख सकते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिया, यह मेरी साइकिल है, वह मेरी पुस्तक है। यानी कि आप इसमें क्या बता रहे हैं, यह मेरी साइकिल है, वह मेरी साइकिल है। आपने क्या कर दिया, उस चीज को निश्चित कर दिया, फिक्स करके बता दिया आपने कि ये जो सामने साइकिल पड़ी है ना, वह मेरी है। ये सामने जो किताब रखी हुई है, पुस्तक रखी हुई है ना, वो मेरी है। यानी कि आप उसको फिक्स शो कर रहे हो, और जैसे ही आपने उसको निश्चित बता दिया, फिक्स बता दिया, वही आपका हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। और यह पहचान हो गई हमें कि यह वह फिक्स करके आपने बता दिया कि यह मेरी साइकिल है, यह साइकिल, यह मेरी पुस्तक है। इस तरीके से आपने इसको कर दिया फिक्स, निश्चित कर दिया, और वह हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम।
हमें ज़्यादा रटाफिकेशन नहीं करनी, रटना नहीं, अरे निश्चयवाचक की परिभाषा क्या होती है, नहीं, नाम से सोचिए, निश्चय यानी कि निश्चित, यानी कि कोई ना कोई व्यक्ति है या कोई ना कोई वस्तु है जो क्या है, निश्चित है, फिक्स है, इसलिए इसका हमें हो गया नाम निश्चयवाचक सर्वनाम। उदाहरण में आप साधारण से सर्वनाम दे सकते हैं, यह मेरी साइकिल है, यह मेरी पुस्तक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेंगे हम, सेकेंड पार्ट हो गया हमारा, थर्ड अनिश्चयवाचक सर्वनाम। राइट डाउन दिस डेफिनेशन, परिभाषा आप नोट कर लीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चय, नाम से पता चल रहा है अनिश्चय, यानी कि वह चीज क्या है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। देखिए डिफरेंस मैं आपको दो चीजों में बता रही हूँ, एक है निश्चित, दूसरा है अनिश्चित। निश्चित है जो चीज फिक्स है, प्लान है, जिसके बारे में आपने किसी को बता दिया कि ये फिक्स है, ये मेरी है। दूसरी होगी अनिश्चित, किसी व्यक्ति किसी वस्तु का क्या है, फिक्स एरिया नहीं है, वह फिक्स नहीं है, आप उसके बारे में कहोगे ये अनिश्चित है, यह अनिश्चित। फॉर एग्जांपल आप घर में बैठे हैं और आपके डोर पे किसी ने नॉक किया, आपको कन्फर्म नहीं है कौन आया आपके घर पे, आपने जस्ट मम्मी को बोला मम्मी कोई है, कोई है, या कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, उसको देखते ही आपने क्या वर्ड यूज किया, कोई, यानी कि व्यक्ति वहां पर फिक्स नहीं है, वहां जो व्यक्ति आया आप जानते नहीं हो, कोई भी हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका नेबर पड़ोसी हो सकता है, आपका दोस्त आपका भाई हो सकता है, कोई पोस्टमैन हो सकता है, या अदर कोई पर्सन हो सकता है, आप उसके बारे में नहीं जानते, वो व्यक्ति अनिश्चित है। हाँ लेकिन निश्चित में क्या होगा, आपको फिक्स पता है कि बाहर डोर पे कौन खड़ा है, राम खड़ा है, तो आप डायरेक्टली बोल देंगे कि मम्मी बाहर गेट पर राम खड़ा है, वो हो गया निश्चित। लेकिन अनिश्चित में आप क्या बोलोगे, कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, कोई डोरबेल बजा रहा है, आपने शब्द ले लिया कोई। नेक्स्ट एग्जांपल, मैंने आपको बोला कि आप चाय बना के लाइए, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, मैं चाय लेके आ रही हूँ, ठीक है, आपने बोला यस। जैसे ही मैंने चाय आपके सामने रखी, मैं किसी काम से बाहर गई, आप भी मेरे साथ आ गए, और उस चाय में कुछ ना कुछ गिर जाता है। आप आते हैं, आप देखते हैं चाय के कप को उठाते हैं, और आपको उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक नज़र आता है, काला सा कुछ दिखाई देता है, आप क्या बोलेंगे, आपको पता ही नहीं है फिक्स, काला काला बस नज़र आ रहा है, आपने उसको देखा लेकिन आप नहीं जानते कि वह है क्या, तो आप शब्द यूज़ करोगे चाय में कुछ गिरा है, चाय में कुछ गिरा है, यानी कि आपने उसके लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया, आपने उसके लिए एक सर्वनाम का इस्तेमाल किया, वो था आपका कुछ, यानी कि यह है अनिश्चय। अगर निश्चित होता, आपको पता होता कि चाय में क्या गिरा है, तो आप कह सकते हो चाय में कुछ मच्छर गिर गया, चाय में मक्खी गिर गई, आप उस जगह सर्वनाम की जगह उस पर्टिकुलर व्यक्ति है वस्तु है जिसका नाम ले लेते हैं, मक्खी गिर गई मच्छर गिर गया, लेकिन नहीं, आपने सिर्फ ये बोला चाय में कुछ गिरा है, कोई है कुछ है, ये सभी आपके क्या हैं, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। देखते हैं इन्हें, तो परिभाषा के रूप में हम समझेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 3, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, देखेंगे। जैसा कि हमने निश्चित में देखा कि वे सर्वनाम शब्द जो हमें निश्चित का बोध कराते हैं, यहाँ हम लिखेंगे वे या जो सर्वनाम शब्द जो हमें निश्चित ये सर्वनाम शब्द जो हमें
किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते। वे सर्वनाम शब्द जो हमें किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं करवाते, वे अनिश्चित सर्वनाम कहलाते हैं। जो हमें ये नहीं बता पा रहे कि यह निश्चित है, ये नहीं बता पा रहे कि वह व्यक्ति निश्चित है, इसमें जैसे हमने देखा, जैसे कोई दरवाजा जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लेंगे, ये आप सभी ने राइट डाउन कर लिया होगा, उदाहरण हम यहाँ देखेंगे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है। कोई दरवाजा खटखटा रहा है। यहाँ आपने एक सर्वनाम का प्रयोग किया, वह सर्वनाम शब्द है कोई, जो हमारे लिए निश्चित नहीं है। दरवाजे पे कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपके पापा हो सकते हैं, आपका छोटा भाई, बड़ी बहन या कोई नेबर, पड़ोसी भी हो सकता है। आप उसके बारे में नहीं जानते क्योंकि आपने उसे देखा नहीं है। अगर ना देखते तो आप उसको नाम से संबोधित करते कि राम खड़ा है, सीमा खड़ी है, सीता खड़ी है, पिताजी खड़े हैं, जो भी नाम होता आप उसको नाम से संबोधित करते, लेकिन आप नहीं जानते कि कौन खड़ा है, इसलिए आपने बोल दिया कि दरवाजे पर कोई खड़ा है या कोई दरवाजा खटखटा रहा है। सेकंड एग्जांपल हम देखेंगे इसी का, चाय में कुछ गिरा है। चाय में जो शब्द हमें जो पकड़ में आ रहा है वो कुछ है, चाय में कुछ गिरा है, नहीं पता आपको, फिक्स नहीं है, मक्खी गिरी, मच्छर गिरा, या कुछ हो सकता है, अनाज का टुकड़ा है, या कोई गलती से कोई सामान लेके जा रहा था, उसका कचरा गिर गया, आप नहीं जानते, फिक्स नहीं पता आपको, तो आपने बोल दिया चाय में कुछ गिरा है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आपके सामने एग्जाम में एग्जाम्पल आए और लिखा हुआ हो कि आपके सामने सपोज कीजिए ये टू एग्जाम्पल आ गए एग्जाम में और आपको लिखा हुआ है कि इनमें से सर्वनाम का कौन सा भेद है, आप इनके सामने लिखिए, उनके नाम बताइए, आपको सिर्फ और सिर्फ सर्वनाम शब्द की पहचान से ही पता चल जाएगा कि ये सर्वनाम कौन सा है। सपोज फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेंगे, कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो हमारे दिमाग में आएगा इसमें क्या ऐसी ऐसी चीज़ें आई कि जिससे हम उसको पकड़ लें कि ये कौन सा सर्वनाम है। तो आपने देखा कि सबसे पहले लिखा हुआ कोई दरवाजा, ठीक है, खटखटा रहा है, कहीं से कुछ पकड़ में नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसको पढ़ा ही नहीं, अच्छे से देखा ही नहीं। देखिए जैसे ही आपने पढ़ा कोई, कोई का मतलब होता है कि मैडम ने बताया था, ये तो किसी भी के बारे में बता रहा है, किसी फिक्स व्यक्ति के बारे में बता ही नहीं रहा, किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु को संबोधित कर रहा है। तो झट से आपने लिख दिया ये सर्वनाम कौन सा हो गया, अनिश्चय वाचक सर्वनाम। उसी तरीके से आपने नेक्स्ट लिया एग्जाम्पल, चाय में कुछ गिरा है, और आपने देखा, पढ़ा, और आपको कुछ नज़र आया, कुछ को देखते ही आपने क्या कर दिया, अरे ये भी अनिश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण, आपने लिख दिया अनिश्चय वाचक सर्वनाम। इस तरीके से आपने दोनों एग्जाम में इनको लिख दिया और आपके दोनों आंसर्स करेक्ट हो गए। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इन
कि प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण बनाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरणों का उपयोग करना है। तो इससे जैसे चाय में कुछ गिरा है, दूध में कुछ गिरा है, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है, दरवाजे पे कोई आया है, शायद कोई दरवाजे पर आया है, इस तरीके से आपके बन जाएंगे क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रश्नवाचक सर्वनाम। आपको ज़्यादा नहीं सोचना है, ज़्यादा रटना नहीं है, जो नाम है उसी से आपकी परिभाषा निकल जाती है। बस इतना ध्यान रखना है कि नाम को हमें अच्छे से याद करना है, कि छह प्रकार मैम ने बताए तो हमें वो छह प्रकार याद होने चाहिए। फर्स्ट आपने देखा प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर फोर प्रश्नवाचक। प्रश्न से मतलब क्या हुआ? कोई क्वेश्चन, किसी प्रश्न को पूछना। प्रश्न को पूछने के लिए क्या करते हो आप? प्रश्नों को पूछने के लिए हम क्या करते हैं? प्रश्नवाचक शब्दों का इस्तेमाल। प्रश्नवाचक शब्द कौन से होते हैं? आपके घर में कोई आया, आपने पूछा आपका नाम क्या है, आप कौन हैं, आप क्यों आए हैं, आप किससे मिलने आए हैं, आपको क्या काम है, आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, ये शब्द आपने सब क्या किया उससे, प्रश्न किए, ये सभी सवाल आपने उनसे पूछे और उनके लिए आपने किसी न किसी शब्दों का प्रयोग किया और वही शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए परिभाषा के रूप में हम जानेंगे तो वे सर्वनाम शब्द जो हमें या जिनके द्वारा हम प्रश्न पूछते हैं या जिन जो हमारे प्रश्न पूछने के काम में आते हैं। तो परिभाषा में हमने देखा वे सर्वनाम शब्द जो या जिसके द्वारा प्रश्न पूछने ने में प्रयोग लिए जाते हैं या काम लिए जाते हैं या प्रयोग किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। कौन से सर्वनाम कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। इजी वे में पढ़ना है आपको, बिल्कुल ही रटाफिकेशन नहीं करनी है, सिर्फ नाम को समझना है और नाम को समझते ही आपको उसका क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर सारा ही आपका सॉल्व हो जाएगा। इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, एग्जांपल्स आते हैं, देखिए जैसे मैं आपको बता रही हूँ, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, क्या आदि, किसको, किसके द्वारा, किसने, कहाँ पर, ये सभी क्वेश्चंस हैं, आप इन सबको यूज कर सकते हैं। तो इससे मैं फर्स्ट क्वेश्चन बना रही हूँ, एग्जाम्पल, आपके घर पे कोई आता है, कोई आ रहा है, जब तो अनिश्चयवाचक, लेकिन आप आते ही उससे पूछते हो आपका नाम क्या है। आते ही आपने उससे पूछा आपका नाम क्या है, वो आपको जवाब देगा जो भी उसका नाम, मेरा नाम राम है, श्याम है, लेकिन आते ही आपने उससे क्या किया, एक प्रश्न पूछ दिया। आते ही आपने उसके सामने एक सवाल खड़ा कर दिया कि आपका नाम क्या है, ये हो गया प्रश्नवाचक। दूसरा, आप कहाँ रहते हैं, आपने फिर से उससे एक सवाल खड़ा कर दिया और उसमें एक शब्द सर्वनाम डाल दिया आपने, कहाँ। एग्जाम में फिर आपसे पूछा जाता है कि ये सर्वनाम के कौन से भेद का उदाहरण है, आपने पढ़ा क्या आ रहा है, कहाँ आ रहा है, इसमें व्यक्ति एक प्रश्न पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो ना हो प्रश्न पूछते ही प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि कई बार हो सकता है आपको कई शब्दों का ध्यान नहीं हो, कब, क्या, क्यों, कैसे, क्या, तो ध्यान है, किसका, किसने, ऐसे आते हैं और आपके दिमाग से स्लिप हो जाता है, एकदम से आप भूल जाते हैं कि ये कौन से सर्वनाम का उदाहरण है।
तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में क्या होता है, आप उससे एक प्रश्न पूछते हो और प्रश्न पूछने के लिए लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह या जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो क्वेश्चन मार्क, वो हमेशा लगा हुआ रहता है। अगर आपको यहाँ पर कोई शब्द समझ में नहीं आया, आप उस शब्द से पहचान नहीं कर पाए कि ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है या नहीं, लेकिन आप देखते ही क्वेश्चन मार्क को कि इसके लास्ट में हमारा जो एग्जाम्पल दिया हुआ है या क्वेश्चन में जो हमारा सेंटेंस आया हुआ है, वाक्य आया हुआ है, उसके पीछे मैम ने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है। क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रखा है, इसका मतलब हमारा जो भी है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छे से लिखिए इनको और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इनकी प्रैक्टिस करनी है, इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में लाना है। और जितना ज़्यादा आप इनका प्रयोग करोगे, जितना ज़्यादा आप इनका उपयोग करोगे, उतना ही ये आपका परफेक्ट होता जाएगा। और जितने ज़्यादा इन शब्दों का इस्तेमाल करोगे, आपको अच्छे से समझ में आने लग जाएगा, ये शब्द आपको याद हो जाएंगे, ताकि आपको एग्ज़ाम में सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ओके, थैंक यू।